Hello students, myself Subhash Gurla, Faculty of Biology. सभी लोग जानते हैं हमारा थर्ड चैप्टर रनिंग में है. थर्ड चैप्टर लगभग लगभग एंडिंग पोर्शन में चल रहा है. आज लगभग पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. उससे पहले आपने इसके रिलेटेड जो वीडियोज आपको मिल रहे होंगे, स्टार्ट हुआ था पोलिनेशन से. पोलिनेशन के बाद में सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, मेथड ऑफ पोलिनेशन, उसके बाद में इनकॉम्पेटेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन हुआ था हमारा, वो था बेटा सीड का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, उससे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तक का टॉपिक हो गया था. आज हम बात करते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड्स. यानी कि प्लांट हमने गैमेट से शुरू किया था, फ्लूइड बन चुका है, सीड उसके अंदर है, ये सारी चीजें हैं. पहली बात है बेटा, ये जो फ्लूइड्स होते हैं वो किसमें होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इन फ्रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, ओवरी से होता है. फ्रूट्स का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा, ओवरी से होगा. कब होगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्या होगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इस जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स के अंदर. यानी ओवरी जो होती है उसकी जो सेल्स होती है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन करके सेल्स लगातार ग्रोथ करती है, नंबर के अंदर इंक्रीज करती है और वो साइज के अंदर बन जाता है और उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. ये सब चीजें हैं. उसके बाद में बेटा जो ओवरी होल होती है वो फ्लूइड होल में कन्वर्ट हो जाती है. ओवरी होल होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्लूइड होल में कन्वर्ट हो जाती है. उसके बाद में उसके ऊपर क्या होता है बेटा, जो एपिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है. आपने पढ़ा था बेटा मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प. जो पेरिकार्प है, जो ओवरी होल होती है, जो उसका ऊपर का पार्ट होता है सीड के ऊपर का, वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है. और पेरिकार्प जो होता है वो फिर आगे थ्री लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग पोर्शन को इडिएबल होता है, अलग अलग पोर्शन को फूड की फॉर्म में या हम खाने के अंदर यूज करते हैं. जैसे आपने पढ़ा था बेटा मैंगो के अंदर मोस्टली हम मीजोकार्प यूज करते हैं. कुछ फ्रूट्स के अंदर हमने किया था बेटा, हमने डिस्कशन किया था एंडोकार्प यूज करते हैं. जैसे बनाना के अंदर क्या होगा बेटा, एंडोकार्प है उसको यूज किया जाता है. इस टाइप से अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के पोर्शन है, उनको यूज किया जाता है खाने के अंदर. ये डेवलपमेंट कैसा होता है यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ा है हमने. पूरा 22 वाला चैप्टर था सीड और फ्रूट्स पे था. उसी टाइप से अब हमारा एक छोटा सा पोर्शन है, कोई बड़ा पोर्शन नहीं है कि उस टाइप से हम 11th का नहीं पढ़ रहे, वो आपने पढ़ लिया था वहां पर. यहाँ पर तो इस टॉपिक का इस चैप्टर से रिलेटेड है कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो सीड बनेंगे, सीड को कवर करने के लिए फ्लूइड बनेंगे, तब हमारे को इस बुक में ये टॉपिक दे दिया है. सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि फ्रूट्स का फॉर्मेशन ओवरी से होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स एंड ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्लूइड वॉल. एंड फ्लूइड वॉल जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है बेटा, जो ओवरी वॉल होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है. और पेरिकार्प फिर लेयर्स में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प इस टाइप से लेयर्स में डिवाइड हो जाता है. अब हम बात कर रहे हैं बेटा आज द टाइप ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बेस पे किससे हुआ है उसका डेवलपमेंट, उसके बेस पे हम डिवाइड किया बेटा टाइप्स ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट. बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के बेस पे देखा बेटा कि किस टाइप का होगा. तो देखिए डेवलपमेंट के बेस पे फ्रूट्स को थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. बहुत इजी है, सबको आ ही रहा है इसलिए मुझे. पहला है बेटा ट्रू फ्रूट्स का यूज होता है. टाइप ऑफ फ्रूट्स जो डेवलप फ्रॉम द, किससे डेवलप होंगे बेटा, ओवरी से. किससे डेवलप होंगे बेटा, जिनका डेवलपमेंट किससे होता है, ओनली ओवरी से होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स फ्रूट्स की कैटेगरी है. विच फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट. एग्जाम्पल की बात करें, मोस्टली फ्रूट इसी के अंदर आते हैं, चाहे वो वाटरमेलन का हो, चाहे वो पपाया का हो, इस टाइप के जो भी प्लांट्स आप देखते हैं, जितने भी गुआवा है, लीची है, इतने भी टाइप के आपने फ्रूट्स देखे हैं, नॉर्मली किसके अंदर आते हैं बेटा, ये आते हैं ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल है. डेफिनेशन ओनली सिंपल है. फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होगा, ओवरी से होगा, डायरेक्ट ओवरी से होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू फ्रूट. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स फ्रूट. अब देखिए बेटा
type of root in which development yet these root develop from ovary plus other part of flower. किससे होंगे बेटा? ओवरी के साथ साथ क्या होंगे बेटा? कैलेक्स हो सकता है, कोरोला हो सकता है, थैलेमस हो सकता है. फ्लावर के अदर पार्ट्स जो सेपल पेटल जो भी है वो इनके फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं फाल्स फ्रूट्स. ऐसे फ्रूट्स होंगे जिनका फॉर्मेशन ओवरी के साथ साथ जिसके अंदर कैलेक्स है उसके साथ साथ कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम मींस कह सकते हैं बेटा ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर. क्या होगा बेटा? अदर पार्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इन्वॉल्व होते हैं. जबकि यहाँ हमने बात की थी ओवरी की, यहाँ होंगे बेटा अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर सच एज कैलेक्स, कोरोला, थैलेमस. इस टाइप के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. उस फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फाल्स फ्रूट. फाल्स फ्रूट एग्जाम्पल आता है जो सबसे पहले आपने सीखा है इंग्लिश में, ए फॉर एप्पल. क्या आएगा बेटा इसके अंदर? एप्पल इसका एग्जाम्पल आता है, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल आता है, इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, पाइन एप्पल इस टाइप के एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे जिनके अंदर फ्रूट्स के फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट. थर्ड इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या हो गया बेटा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा बट कैसे होगा? यहाँ तो आपने एक लाइन लिखी है ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ क्या होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. कैसा होगा बेटा? विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है. फ्रूट फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्थेनो. इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट. क्या होगा बेटा? पार्थेनो कार्पिक फ्रूट प्रोसेस है. पार्थेनोकार्पी बोलते हैं फ्रूट प्रोसेस का नाम पार्थेनोकार्पी है, जबकि फ्रूट्स का नाम क्या है बेटा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होगा ऐसे फ्रूट सच फ्रूट्स होते हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन इस टाइप के फ्रूट्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है. इस टाइप के फ्रूट को हम बोलते हैं बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पार्थेनोकार्पी. क्या नाम हो गया बेटा? पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी प्रोसेस का नाम है. एग्जाम्पल में सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो बनाना. क्या बेटा? रिकॉल बनाना. यहाँ पर एप्पल का एग्जाम्पल था, वहां पर क्या आ गया बेटा? बनाना इसके अंदर एग्जाम्पल आता है. उसके अलावा ग्रेप्स हैं, पपाया है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो अब देखिए बेटा क्या होगा कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? सीडलेस. कैसे होते हैं बेटा? सीड लेस होते हैं. जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता. ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है कुछ से? ये तो क्या हो गया बेटा बनाना के अंदर तो नेचुरल तरीके से होता है. क्या हो गया बनाना के अंदर तो क्या हो गया बेटा? नेचुरल तरीके से होता है. बट कुछ प्लांट में हम क्या कर सकते हैं? पार्थेनोकार्पी करवाई जाती है. पार्थेनोकार्पी करवाई जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड टाइप की पार्थेनोकार्पिक है. इंड्यूस्ड के अंदर यानी कि उसको इंड्यूस किया जाता है. इंड्यूस्ड टाइप की पार्थेनोकार्पी बेटा इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी का मीन्स होता है बेटा जहां पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो करवाया जाता है. होती नहीं है पहले से, करवाया जाता है. करवाया कैसे जाता है बेटा? उसको इंड्यूस किया जाता है. इंड्यूस करने के लिए क्या होगा बेटा? कुछ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन को किस पे डाला जाता है बेटा? स्टिग्मा पे. जो स्टिग्मा प्रोसेस है उसके ऊपर इन हार्मोन की स्प्रे की जाती है. स्प्रे करने पर इनके अंदर जो
विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उससे पहले ये ओवरी को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देगा और ये सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। एग्जांपल आता है बेटा ग्रेप्स, पपाया, इसके अंदर एग्जांपल के अंदर आएंगे, जिसके अंदर क्या होगा इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। थ्री टाइप्स के फ्रूट पढ़े हैं आपने, जो फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है। जबकि सेकेंड नंबर पे हमने जो डिस्कशन किया उसमें ये था बेटा कि फॉल्स फ्रूट जिसके अंदर अदर देन अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर आल्सो इंक्लूड या फॉर्म, उसके अंदर क्या होंगे बेटा फ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बेटा पार्थेनोकार्पी का नीच होता है, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी, फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक और इसको कार्पिक बोलते हैं। और दो टाइप की है बेटा, एक इंड्यूस्ड होती है, क्या होगी बेटा नेचुरल अपने आप होगी। इंड्यूस्ड के अंदर ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, जिससे जो फ्रूट्स होंगे उनका फॉर्मेशन होगा, सीडलेस फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये हमारा फ्रूट डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बुक में दे रखा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, एक बार मैं पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसके अंदर आपने पहले पढ़ लिया था जब हमारा चैप्टर यूनिट स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, जब मैंने कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डिस्कशन किया था बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये टॉपिक हमने स्टार्टिंग में किया था, फिर भी हमारा इस चैप्टर के पॉइंट डाल रखा है तो हम इसको करवा देते हैं। देखिए बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है, काफी इजी टॉपिक है, नो प्रॉब्लम। देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो सिंपल प्रोसेस है कि खासकर एंजियोस्पर्म प्लांट में, वैसे तो हमने क्लैरिफाई था, नहीं देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हमारा टॉपिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है। तो क्या होगा बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होगा बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट अपनी लाइफ में टू स्टेज क्रॉस करता है, टू स्टेज में अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। एक क्या होगी बेटा डिप्लोइड स्टेज होती है और एक क्या होती है बेटा हैप्लोइड स्टेज होती है। कैसे होती है बेटा, एक डिप्लोइड होती है और एक क्या होती है बेटा हैप्लोइड होती है। जैसे हम डिप्लोइड को हम सभी लोग जानते हैं, कैसे होता है बेटा स्पोरोफाइटिक और ये क्या होती है बेटा गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो है दो कंडीशन आती है, यानी कि यहाँ जो कंडीशन होती है यहाँ पर प्लांट क्या रहेगा डिप्लोइड स्टेज में रहेगा, जबकि ये इसमें रहेगा हैप्लोइड में। अब देखिए बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या क्या, कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सी, पहले हमें स्टेज की बात करता हूँ, स्पोरोफिटिक स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर जायगोट, क्योंकि इससे पहले क्या होते हैं हैप्लोइड, जायगोट क्या बनता है फर्स्ट डिप्लोइड सेल होती है या फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल होती है, क्या बनाएगी बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बन गया सीड, सीड से क्या बनेगा बेटा प्लांट और प्लांट के अंदर क्या होंगे बेटा रूट भी होगी, स्टेम और क्या रहेगा बेटा लीव, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। उसके बाद में क्या रहेंगे बेटा फ्लावर, यहां तक ये पूरी लाइफ इसमें रहेगी डिप्लोइड स्टेज के अंदर क्रॉस करेगी, तो ये हमारा क्या होगा बेटा स्पोरोफिटिक पोर्शन होता है। तो एक टाइम और एक खास बात ये रहती है कि यहां पर क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो स्पोरोफिटिक है वो कैसा होगा बेटा डेवलप होगा, कैसा होगा बेटा डेवलप होगा और कैसा होगा ऑटोट्रॉफिक, कैसा होगा बेटा ऑटोट्रॉफिक होगा, इस फूल खुद बनाएगा, ये खास प्रॉपर्टी है। मीन्स डेवलप प्लांट जो आप प्लांट देखते हैं वो बॉडी पूरी पूरी कैसे होती है स्पोरोफिटिक होती है। तो ये कैसी पूरी लाइफ कैसा है डिप्लोइड। अब अगली स्टेज में यानी दोबारा जायगोट बनने से पहले यदि इस पूरी प्लांट में ऐसे प्रोसेस रहेगी, अब उसको वापस से सीधे न्यू प्लांट बनेगा, उससे पहले उसमें क्या बनते हैं बेटा फ्लावर में आप लोग पहले से जानते हैं क्या होंगे, फ्लावर के अंदर स्टेमन और इसके अंदर क्या होगा बेटा कार्पल, इसको हम पिस्टल बोलते हैं, इसमें क्या बनेंगे स्टेमन के अंदर आप लोग जानते हैं एंथर
एंथर के अंदर क्या बनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर, क्या होंगे बेटा माइक्रोस्पोर, और इधर से क्या होंगे बेटा मेगास्पोर, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया, हैप्लोइड हो गया, हैप्लोइड का मींस गैमेट हो गया, और गैमेट के अंदर गैमेटोफिटिक, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा गैमेटोफिटिक, मींस ये डिप्लोइड स्टेज थी, अब क्या हो गया हैप्लोइड स्टेज हो गई, बट हैप्लोइड स्टेज डिपेंड ऑन डिप्लोइड स्टेज, मींस गैमेटोफिटिक डायरेक्टली डिपेंड ऑन स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन ही होता, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, इस पर डिपेंड रहता है। तो ये क्या हो गया बेटा डिप्लोइड स्टेज, और ये क्या हो गई हैप्लोइड स्टेज। तो इसीलिए क्या होगी, पहले डिप्लोइड फिर हैप्लोइड, नया प्लांट जब बनेगा फिर उसको वापस कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, अब दोनों के अंदर क्या होगा माइक्रोस्पोर, और इन दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और वापस से क्या बन जाएगा जायगोट बन जाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन देख लो, फिर वापस से डिप्लोइड चल जाएगी, फिर वापस से हैप्लोइड आएगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ में टू स्टेज होती है बेटा, फर्स्ट स्टेज जिसको हम स्पोरोफिटिक बोलते हैं, डेवलप होती है कहां से स्टार्ट होती है, जायगोट, जायगोट से स्टार्ट होते हैं वापिस फ्लावर, फ्लावर से स्टैमन और पिस्टल बनते हैं, उसके बाद में पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट, उसके साथ साथ ओव्यूल, एग सेल, ये आगे बेटा फीमेल गैमेट के अंदर, उस टाइप से यहां तक की जो प्रोसेस होती है, एक बार डिप्लोइड स्टेज और एक बार हैप्लोइड स्टेज, और इसी फॉर्म में इसको बोलते हैं अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब एक बार डिप्लोइड फिर हैप्लोइड फिर डिप्लोइड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसे में डिस्कशन कर लिया था, फिर भी हमारा ये टॉपिक वापस से आ गया, इसीलिए इस टॉपिक को हमने रिपीट कर दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने 11th क्लास में भी देखा था। तो ये होता है बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित तो दो चार वर्ड है वो और बता दो, जो बुक में है नहीं वैसे इससे रिलेटेड होते हैं, दो चार वर्ड ऐसे जो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे, उनको एक दो को वर्ड को और देख लेते हैं कि प्रोसेस का नाम है, या एंडोस्कोम कुछ अलग से पॉइंट दे रखे हैं, कुछ बुक्स के अंदर अलग से वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए वो दो चार और बता देते हैं, एक दो एक एंडोस्कोम का एक क्वेश्चन करवा देते हैं न्यूमेरिकल टाइप में इसका करने के बाद में, तो वो करेंगे बेटा अभी, दो चार वर्ड है इसके अंदर वो देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए बेटा सबसे पहले स्टेफेनोगेमी, वैसे तो प्रोसेस तो आती है पर कोई नाम आ जाए तब है, आपने पूरी प्रोसेस की है, क्या होता है बेटा किस प्रोसेस का नाम है, कौन सी प्रोसेस का, आप लोग जानते हैं कि मेल गैमेट, पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा मेल गैमेट, जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, और ये मेल गैमेट किसकी हेल्प से बेटा पोलन ट्यूब की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा पोलन ट्यूब की हेल्प से, पोलन ट्यूब की हेल्प से किसमें पहुंचते हैं बेटा एक्सेल में, या हम कह सकते हैं एक्सेल के पास पहुंचते हैं, या फीमेल गैमेट के पास, दूसरी बात हम करें इसका नाम क्या बोल सकते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टेफेनोगेमी, यानी प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, किसकी हेल्प से पोलर ट्यूब की हेल्प से पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्टेफेनोगेमी। स्टेफेनोगेमी प्रोसेस का नाम है जिसमें पोलन ग्रेन के मेल गैमेट्स पहुंचते हैं फीमेल गैमेट्स के पास, किसकी हेल्प से पोलन ट्यूब की हेल्प से। दूसरा देखिए बेटा, एक हमने एंडोस्पर्म पढ़े थे काफी एंडोस्पर्म के बारे में, तो एंडोस्पर्म के अंदर आपने पढ़ा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर के अंदर लिक्विड भी एक नाम था लिक्विड कोकोनट मिल्क के बारे में आपने डिस्कस किया था, लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट मिल्क के फॉर्म में एग्जांपल लिया था, उसके बाद में सेलुलर, और उसके बाद में एग्जांपल लिया था बेटा हेलोबियल, उसी के अंदर दो बुक में कहीं वर्ड मिल रहे आगे पीछे कहीं ऑप्शन के फॉर्म में किसी दूसरी रेफरेंस बुक के अंदर, तो उसके अंदर देखे बेटा एक वर्ड है रूमिनेंट एंडोस्पर्म और एक है मोजेक एंडोस्पर्म, एग्जाम में नहीं आएगा पर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए बेटा क्या होता है कि कुछ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म होता है सभी को पता है, पीई एन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, किससे बनती है डबल फर्टिलाइजेशन से, और डबल फर्टिलाइजेशन से एक ट्रिपल
ट्रिप्लोइड सेल बनती है जिसका नाम होता है PEN, और PEN जो होता है लगातार डिवीजन करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो मेजर फंक्शन, अदर फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए बेटा, इसी में एक आता है टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसी में एक टाइप है रुमिनेंट एंडोस्पर्म। क्या होता है बेटा रुमिनेंट एंडोस्पर्म में, ये एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो आउटर सरफेस पे क्या होता है, तो सरफेस होती है वो इक्वल नहीं होती। कुछ प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है तो उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो अनइक्वल होती है। क्या होती है बेटा, अनइक्वल होती है। तो ऊपर से क्या होगा बेटा, इस टाइप से दरारें सी झुर्रियां सी है वो दिखेंगी, रिंकल स्ट्रक्चर दिखेगी उसके ऊपर। तो उस टाइम की जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। नॉर्मली क्या होता है, स्मूथ टाइप का सरफेस बनाता है एंडोस्पर्म, बट कुछ प्लांट में जैसे ब्रिटल नट के अंदर सुपारी इसको बोलते हैं, उनके अंदर क्या होता है उसकी जो सरफेस होती है वो इक्वल नहीं होती, इस प्रकार से लाइनिंग सी दिखती है ऊपर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूमिनेंट एंडोस्पर्म। रूमिनेंट एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का टाइप है जिसमें आउटर सरफेस होती है वो अनइक्वल होती है, इसके कारण से क्या होगा बेटा, लाइनिंग शो होती है, रिंकल स्ट्रक्चर आपको झुर्रीदार जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको इसके अंदर शो होगी। एग्जाम्पल इसका आएगा बिटर नट, यानी एंडोस्पर्म की आउटर सरफेस अनइक्वल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक और देख ले बेटा मोजेक एंडोस्पर्म। मोजेक एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल इसके अंदर मेज आता है। मोज़ेक के अंदर नॉर्मली हमने पढ़ा था कि PEN से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। क्या बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किससे, होता है PEN से, और ये PEN से बनने वाले लगभग टिश्यू क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं क्योंकि एक सेल से बने, बट कुछ प्लांट में क्या होते हैं कि जो एंडोस्पर्म के जो टिश्यू है वो क्या होंगे बेटा, पैकेट्स में होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कलर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सारा एंडोसोम एक जैसा ना होके क्या होगा बेटा, पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के टुकड़े से दिखते हैं, और इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोजेक एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, मोजेक एंडोस्पर्म। आप लोग जानते हैं मेज किसका एग्जाम्पल है, मोनोकोट का, और मोनोकोट में जो एंडोस्पर्म होता है वो रिमेनिंग रहता है और काफी ज्यादा भी होता है, मेज में एंडोस्पर्म ज्यादा होता है, तो इस टाइम में जो वो एंडोस्पर्म वो इक्वल एक जैसा नहीं होगा, उसमें क्या होगा, अलग अलग कलर के जैसे टुकड़े टुकड़े लगे होते हैं, जोड़ के बनाया होता है, वैसी स्ट्रक्चर दिखती है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मोजेक एंडोस्पर्म। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला थर्ड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर, और इसके आगे वाले जो एक चैप्टर बचा है उसमें लगभग जो अलग टॉपिक है दो ही है, इससे रिलेटेड एक एंडोस्पर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, काफी इजी है और आता भी एग्जाम में और काफी इजी है। देखिए बेटा आपसे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे एक दो न्यूमेरिकल और है इस यूनिट के, वो आगे जो जब लास्ट वीडियो होगा इस यूनिट का तब करवा देंगे। देखिए बेटा क्या है, आपसे पूछा जाए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगा बेटा द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर 39 इन सेल ऑफ एंडोस्पर्म। ये आपको दे रखा है, अब आपको बताना है व्हाट इज, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल ऑफ लीफ। ये क्वेश्चन है क्योंकि हमारा टॉपिक एंडोस्पर्म पे चल रहा था काफी देर से, अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया, अब 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, मल्टी चॉइस में भी आ सकता है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, आराम से कर सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई सेल है एंडोस्पर्म की और उसमें क्रोमोसोम के नंबर है 39। अब आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ लीफ, लीफ की सेल में क्या नंबर होंगे उसके बारे में आपको निकालना है। आ रहा होगा, कुछ लोग कर लिए होंगे आंसर, शायद आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो देखें बेटा थोड़ी सी मैथ भाई वालों को भी आनी चाहिए, तो उस मैथ के लिए
कुछ ज्यादा मैथ नहीं है कि आप करें ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है। आप लोग पहले से नोन है क्योंकि मैंने कहा था 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द फ्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म। आपको एंडोस्पर्म की फ्लोइडी याद रखनी है, क्या होती है एंडोस्पर्म, ट्रिप्लोइड, क्या होता है थ्री एन ट्रिप्लोइड जिसको बोलते हैं। उसके साथ साथ आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये भी जानते हैं कि वेजिटेटिव सेल मींस रूट की सेल हो या लीफ की हो उस टाइप की कैसे होती है बेटा, डिप्लोइड होती है। और उसके बाद में गैमेट क्या होते हैं बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, गैमेट्स होते हैं हैप्लोइड। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने तो यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये भी पूछा सकता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट सेल, यहाँ पर गैमेट सेल भी आ सकता था तो आंसर अलग हो जाएगा, मैंने लीफ पे है तो उसका आंसर अलग रहेगा। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन कैसे भी रोटेट हो सकता है कि एंडोस्पर्म के नंबर पूछे जा सकते हैं, लीफ के नंबर देखें तो आपको थ्री ट्रिप्लोइड फॉर्म में रखना है इनकी, बस ये चीजें आपको याद है उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। देखिए बेटा आपको दे क्या रखा है, थ्री एन कितना है बेटा, थ्री एन के बराबर है 39, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके हैं बेटा 39 है इसमें एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म होता क्या है बेटा ट्रिप्लोइड, मींस 3n इज इक्वल टू 39। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, वैल्यू किसकी निकालनी है आपको n की, तो n की वैल्यू निकालोगे 39 अपॉन 3 इज इक्वल टू 13। ये क्या आ गया बेटा द वैल्यू ऑफ n मींस हैप्लोइड गैमेट के नंबर आ गए। हैप्लोइड गैमेट के नंबर कितने हैं बेटा, हैप्लोइड गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 13, कितने हो गए बेटा 13। अब आपको याद रखना है पूछा किसका है, यदि मैं पूछ लेते गैमेट्स के तो आंसर यही होता, यदि यहाँ लिखता बेटा सेल ऑफ गैमेट वर्ड आता लीफ के लिए यहाँ से हम पूछ लेते तो उस टाइम क्या आता बेटा, यहाँ पर 13 आंसर आ जाता। अब आपको पूछा है लीफ का रूट का यानी कि वेजिटेटिव पार्ट का पूछा तो वो कितना होता है बेटा 2n होता है, कैसा होता है बेटा 2n, n की वैल्यू आपको ऑलरेडी आ चुकी है कितनी है 13, 2 × 13 इक्वल टू 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो आप इजीली कर सकते हैं। देखें बेटा काफी इजी है, नंबर ऑफ एंडोस्पर्म क्रोमोसोम के जो किसने बेटा एंडोस्पर्म सेल में 39 है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म में ट्रिप्लोइड होते हैं, इसमें कुछ ही का भी हो जैसे दे दिए तो आपको सबके याद नहीं रखने, आपको तो ट्रिप्लोइड याद रखना है, क्रोमोसोम के नंबर सभी प्लांट्स के लिए नहीं करने, ट्रिप्लोइड डिप्लोइड हैप्लोइड, हैप्लोइड गैमेट के लिए, वेजिटेटिव सेल के लिए डिप्लोइड होता है जबकि एंडोस्पर्म के लिए क्या होता है बेटा ट्रिप्लोइड होता है। आपने पढ़ा था वीट के अंदर हेक्साप्लोइडी भी पढ़ी थी, तो वो सारे टॉपिक आपने 11th में पढ़ लिए थे, वहां पर भी ये टॉपिक भी हमने डिस्कशन किया था इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में। तो अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया है और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट जो बच गया पोर्शन चैप्टर जो बचा हुआ है उसके अंदर करवा देंगे। इसके साथ हमारा पोलिनेशन हो गया इस चैप्टर में, पॉइंट्स आप चेक कर लेना कौन सा बच गया हो तो करवा देंगे, पर छोड़ा नहीं है मैंने पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन, उसके बाद मेथड ऑफ पोलिनेशन, इनकॉम्पेटिबिलिटी, उसके बाद में बेटा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाद में मैंने करवाया था बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और कुछ इससे रिलेटेड वर्ड थे वो भी हो गए। और एक मैंने एक क्वेश्चन करवाया है जो इस टाइप के एग्जाम में किसी भी टाइप के एग्जाम में आ सकता है, काफी इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है ट्रिप्लोइड डिप्लोइड हैप्लोइड, किसी का भी नंबर दिया जा सकता है। यहाँ पर यदि ये नंबर रह दें कि आपको ये नंबर दिए जाते हैं 26, तो फिर आपको व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्मिक सेल, तो फिर आपको यहाँ आंसर दूसरा निकालना होता क्योंकि आपको एन की वैल्यू निकालनी है, किसी न किसी तरीके से एन की वैल्यू आई जाएगी। तो इसके लिए बेटा अब आप ध्यान से देख लेना कोई भी टॉपिक हो तो फिर और डिस्कशन कर लेंगे। इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट, थैंक यू।